वालेकुम दोस्तों, ए एच की पैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यू मोबाइल SL100 इसकी फ्लैश फाइल किस तरह रीड की जाती है। तो दोस्तों, आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, एक तो MTK के USB ड्राइवर और दूसरा मिरेकल का क्रैक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने मिरेकल का क्रैक ओपन कर लेना है और MTK के USB ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद ओपन करने के बाद आपने रीड के बटन पर क्लिक करके स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो दोस्तों, जब स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो मिरेकल आपको कहेगा कि अपना मोबाइल कनेक्ट करो। तो अब ये मेरे पास मोबाइल आपको नजर आ रहा होगा, ये मोबाइल जो है इसको आपने बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोस्तों, आपने इसमें USB प्लग इन कर देनी है। ये MTK का मोबाइल है, इसको कोई बूट की जरूरत नहीं होगी। और जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट करेंगे, अगर आपके USB के ड्राइवर होंगे तो ये आपको फ्लैश फाइल रीड करके दे देगा। तो दोस्तों, इसी तरह राइट का भी तरीका है। जैसे मैंने रीड के ऊपर क्लिक करके रीड कर लिया फाइल, आपने इसी तरह राइट के ऊपर क्लिक करके राइट भी कर लेनी है। राइटिंग का मतलब कि जिसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर नया करना, उसको राइट यहाँ पे बोला जाता है। अब दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पासवर्ड। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।